प्यारे छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस स्किल पे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स पढ़ना। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे 5.5 के एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। जैसा जानते हैं हम लोग 15 तक के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिए थे मैथ्स में, तो अब आगे 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा दिखाते हैं। क्वेश्चन पहले, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू दिस 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 एंड हेंस फाइंड f डैश वन। प्यारे छात्रों, 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन fx का वैल्यू हमें दिया हुआ है। fx का वैल्यू क्या है? 1 + x, 1 + x² 1 + x^4, 1 + x^5। ये हमें fx का वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको क्या बोल रहा है? डेरिवेटिव निकालो। क्या बोल रहा है सवाल? डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का मतलब समझना है कि डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन। पहले छात्रों, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या? dy by dx, यही ना। लेकिन आप जरा अच्छा से देखिए, fx लिखा हुआ है, fx लिखा है, तो अब आपको fx प्रॉब्लम नहीं है, ये तो y भी हो सकता है ना। जैसे कि मान लिया कि कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो हम अपने से मानते हैं ना कि लेट y बराबर दिस, जो सवाल दिया हुआ रहता है, यानी कि अपने तरीके से हम लोग y मानते हैं। वैसे यहां पे सवाल भले fx बराबर दे दिया है, तो आपको fx से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप उसको ज्यादा प्रॉब्लम है तो y बना लीजिए, जैसे कि हम लोग यहां मानते हैं सॉल्यूशन कर लेट fx नहीं हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि fx बड़ा लफड़ा वाला चीज लग रहा है, बहुत सारे मेरे प्यारे छात्रों को दिमाग में ये घुमा दे रहा है कि fx fx क्या है भाई। इसलिए fx को आप हटा दो दिमाग से और इसके जगह पे y लिख दो, 1 + x, 1 + x² 1 + x^4, 1 + x^5। ये चीज लिख दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो डिफरेंशिएशन तुम कर सकते हैं ना भाई। कैसे? तो अब हम डिफरेंशिएशन का तरीका अपनाते हैं। वो कौन सा तरीका है? तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज, ये चीज, ये चीज सभी गुना में है, तो गुना में रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं। तो यहां पर लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे प्यारे छात्रों, तो यहां क्या बनेगा? लॉग वाई, लॉग के अंदर बनेगा 1 + x, 1 + x² 1 + x^4, 1 + x^5। ठीक है, अब इसको जरा अच्छा से लिखें, तो ये क्या होगा? इसको लिखेंगे log y का log y, और हम जानते हैं कि log के अंदर सभी चीज मल्टीपल में होते हैं, तो उसको एड में तोड़ते हैं। log के अंदर ये सभी किसमें? गुना में है, तो जब भी गुना में रहता है तो log 1 + x + log को इसके साथ यानी कि तोड़ देते हैं प्लस में, 1 + x² + log 1 + x^4 + log 1 + x^5। अब जरा अब हमको क्या करना होगा? तो log y बराबर इतना मान लिए, तब हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो अब यहां लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा जरा दिखाते हैं, ये दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जरा इधर करेंगे डिफरेंशिएशन, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इधर बनेगा d log y by dy into dy बटा dx। क्यों? क्योंकि log y को y के रिस्पेक्ट में और dy बटा dx इज इक्वल टू, यहां log 1 + x है, तो d
लॉग वन प्लस एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वन प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर क्या है लॉग, अच्छा वन मिनट, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो बनेगा वन प्लस एक्स बाय डी एक्स, फिर से प्लस इसका करेंगे तो डी लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि लॉग के बगल में है तो चैन रूल तो हम लोग सीखे हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, क्योंकि अब हम लोग अब तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं, फिर क्या है वन प्लस एक्स के पावर फोर है, तो डी लॉग वन प्लस एक्स के पावर फोर को डी वन प्लस एक्स के पावर फोर इंटू डी वन प्लस एक्स के पावर फोर को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर से प्लस करेंगे लॉग वन प्लस एक्स के पावर फाइव है, तो यहां होगा डी लॉग वन प्लस एक्स के पावर फाइव बट्टा किसके रिस्पेक्ट में, तो वन प्लस एक्स के पावर फाइव के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा वन प्लस एक्स के पावर फाइव बट्टा डीएक्स, ये चीजें बनेंगी। अब हमें इतना चीज करने के बाद जरा आपको अच्छे से देखना है कि अब हमको इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो अब बिल्कुल अब तो फॉर्मूला पे है, अब हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ज्यादा, जैसे कि अब इसका करेंगे तो क्या होगा लॉग वाई को डी वाई के रिस्पेक्ट में वन बाई वाई, और डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें करना है, यहां से लॉग वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स, यहां क्या होगा वन प्लस एक्स इंटू, जरा इसको देखिए वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, तो यहां पे वन लिख देंगे या ना लिखे बात तो बराबर है, समझ पा रहे हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन टोटल कितना बनेगा वन, तो यहां पे वन नहीं लिख रहे हैं फिलहाल, फिर प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, इसका जरा समझिएगा वन का कितना बनेगा प्यारे छात्रों, वन का डिफरेंशिएशन जीरो और फिर एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, तो पावर टू है तो टू आगे आएगा तो एक्स के पावर वन, यानी कि इसका अगर डिफरेंशिएशन आप करते हो तो आएगा 2x, समझ रहे ना आप इसको डिफरेंशिएशन करना, प्लस तो फिर से प्लस वन प्लस एक्स के पावर फोर, वन प्लस एक्स के पावर फोर है तो लॉग है तो वन प्लस एक्स के पावर फोर, और यहां पे जरा देखिए तो वन का कांस्टेंट है जीरो और एक्स के पावर फोर का बनेगा फोर एक्स क्यूब, फिर जरा यहां पे करते हैं प्लस एक्स के वन प्लस एक्स के पावर फाइव को वन प्लस एक्स के पावर फाइव के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन इसका बनेगा वन बाई एक्स, यानी वन बाय वन प्लस एक्स के पावर फाइव, राइट, यानी कि लॉग के अंदर अगर वन प्लस एक्स कुछ भी रहता है अगर उसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो वन बाई एक्स होता है, फिर इंटू इंटू कर दिया, वन का क्या होगा प्यारे छात्रों जीरो और एक्स के पावर फाइव का कितना होगा पांच आगे आएगा तो एक्स के पावर चार फाइव एक्स के पावर फोर, तो इस तरीके से हमें डीवाई बाई डी एक्स मिलेगा। हालांकि अब हमें डीवाई बाई डी एक्स नहीं निकला है, जरा डीवाई बाई डी एक्स निकालते हैं कि क्या होगा, तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर से आगे लिखेंगे डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे का वाई कहां चला जाता है ऊपर, तो ऊपर चल गया वाई और ब्रैकेट में ये सब आ जाएगा ना, तो यहां लिखेंगे वन बाय वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स बाय वन प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स के पावर फोर प्लस फाइव एक्स के पावर फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स के पावर फाइव। अब जरा बातों को समझिए कि ये तो हमें वाई है ना, तो वाई तो हम खुद पहले माने थे सवाल में, वाई तो हम लोग खुद सवाल में माने हुए हैं, इसलिए फाइनल डीवाई बाई डी एक्स का आंसर क्या होगा वाई के जगह पे रख देंगे, क्योंकि सवाल जब स्टार्ट हो रहा था प्यारे छात्रों तो हम वहां पे वाई अपने तरीके से माने हुए थे, तो वाई क्या माने हुए थे, तो वन प्लस एक्स और इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स के पावर फोर इंटू वन प्लस एक्स के पावर फाइव, ये हम माने हुए थे वाई का वैल्यू, तो उसको रख दिए और फिर ब्रैकेट में इन सारी बातों को आप
लिख दीजिए 1 प्लस एक्स प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब बाय 1 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के पावर 5। इस तरीके से हम लोग को अब ये एक पार्ट का आंसर आ चुका है, यानी कि अगर आप आंसर मिलाएंगे तो ये शायद नहीं मिलेगा क्योंकि सवाल कुछ और बोल रहा है। सबसे पहले तो सवाल दिया था और हमें ये बोल रहा था कि आप डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालो का मतलब dy बाई dx। अब यही dy बाई dx को हम लोग, जैसे कि डिफ्रेंसिएशन में हम लोग पढ़े थे प्यारे छात्रों कि डिफ्रेंसिएशन को dy बाई dx से भी सूचित करते हैं और f डैश x से भी सूचित करते हैं। याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो डिफ्रेंसिएशन जब से हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं तब से आपको स्टार्टिंग वाले फार्मूला से जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम आपको निकालना पड़ेगा थ्योरी। और आप देखिए डिफ्रेंसिएशन का, वहां हम लोग पढ़े थे कि डिफ्रेंसिएशन वह कहलाता है, उसे डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है जिसे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करना होता है या फिर उसको एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, डैश भी सूचित करते हैं। तो आप dy बाई dx लिखो डिफ्रेंसिएशन को या फिर एफ डैश एक्स लिखो, बात तो बराबर है क्योंकि dy बाई dx से भी सूचित करते हैं, एफ डैश एक्स से भी सूचित करते हैं। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आया प्यारे छात्रों, तो वही ना, यानी कि dy बाई dx लिखो या फिर एफ डैश एक्स लिखो तो बात तो बराबर, यानी कि पूरा का पूरा वही उतार देंगे, यही वाला चीज यहां पे उतार देंगे, बस नाम यहां हो जाएगा एफ डैश एक्स। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंसिएशन को dy बाई dx भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। अब प्यारे छात्रों बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि इसका हिंदी वह प्रश्न से, प्रश्न क्या बोल रहा है कि आप एफ डैश वन निकालो, क्या करो एफ डैश वन निकालो। तो अब एफ डैश वन कैसे निकालेंगे जरा देखिए, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एफ डैश वन निकालना है हमें, तो इसलिए एफ डैश वन बराबर, अब जहां जहां एक्स है एफ डैश एक्स बराबर इतना हो गया, अब जहां एक्स है वहां क्या रखना है वन, तो यहां पे जहां जहां एक्स है वहां पे वन रख दो, तो यहां वन रखेंगे और वन जोड़ेंगे तो होगा टू इंटू वन रखेंगे प्लस वन का स्क्वायर करेंगे फिर से टू इंटू वन रखेंगे प्लस वन का पावर फोर रखेंगे फिर से टू वन प्लस वन का पावर फाइव फिर से टू और ब्रैकेट वन बाई वन यहां रखना है तो वन वन मिलके टू प्लस टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू बट्टा में यहां भी कितना होगा टू प्लस फोर एक्स की जगह पे वन रखना है तो फोर बाई टू यहां पे भी हो जाएगा फाइव बाई टू राइट। अब इन चीजों को करते जाना है जरा देखिए तो हमें क्या आता है, अभी एफ डैश वन का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि सवाल बोल रहा था कि एफ डैश पहले डेरिवेटिव करो और डेरिवेटिव करने के बाद एफ डैश वन का मान निकालो, तो एफ डैश वन निकाल रहे हैं अभी फिलहाल, तो दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना सोलह इंटू, अब नीचे का क्या कर लेंगे प्यारे छात्रों एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा दो और ऊपर वाले को एड कर लेंगे वन प्लस टू प्लस फोर प्लस फाइव तो यहां कितना हो जाएगा 16 गुना सबको जोड़ेंगे पांच चार नौ, नौ दो ग्यारह और एक 12 बटा दो, दो से छह बार में कटेगा 16 छह कितना आता है 96 आंसर। तो इसका आंसर जो आएगा वो प्यारे छात्रों 96 आएगा, जरा आप देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है, सॉरी इसका आंसर क्या है या फिर किस टर्म्स में दिया है, तो डेरिवेटिव 5.5 का क्वेश्चन, हाँ तो 5.5 का जो क्वेश्चन नंबर था, एक मिनट यहाँ पे जो गलती किए हैं हम लोग, वन प्लस एक्स के पावर सॉरी एक हम लोग का गलती हुआ है, बहुत बड़ा गलती है कि सवाल में वन प्लस एक्स के पावर आठ था। जी हाँ छात्रों आप जरा ध्यान देंगे इन चीजों को, मेरे से एक यहाँ पे गलती हुई है कि सवाल को हम सही ढंग से नहीं उतार पाए हैं, यानी कि जो आप एफ एक्स हम लिखे हैं वो क्या लिखे हैं जरा देखिएगा, वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स के पावर फोर दिया हुआ है और वन प्लस एक्स के पावर एट दिया हुआ है। सवाल ये दिया था और हम इस सवाल को नहीं बनाए हैं, हम यहाँ पे पांच कर दिए हैं,
इसलिए मेरा 96 आंसर आया है। अगर हम सही सवाल उतारते, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हुआ, ध्यान से दिखा नहीं होगा सवाल, इसीलिए यहाँ 5 करके हम बना दिए हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन चीजों को समझ गए हैं तो आप अपने तरीके से 8 भी करके बना लीजिएगा, वो बिल्कुल सही हो पाएगा। आंसर बिल्कुल दिया है 120। तो मेरे से गलती हुआ है यहां पे, ये लास्ट वाले में गलती हो गया है। 1 + x^8 के बजाय हम बना दिए सवाल को 1 + x^5 पे। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर बिल्कुल नहीं मैच करेगा क्योंकि सवाल ही बदल दिए, तो इसके वजह से हम लोग को प्रॉब्लम हो गया। चलिए तो अब ये सवाल समझ गए होंगे, अब हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मिस्टेक है मेरे से हुआ है, क्वेश्चन तो सवाल का सही है मुक्का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफ्रेंशिएट। देखिए 17 में बोल रहा है डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट का मतलब डिफ्रेंशिएशन निकालो। अब सवाल दिया है, क्या दिया है, अपने से मान लेंगे लेट y बराबर क्या दिया है, x² - 5x + 8 ब्रैकेट x³ + 7x + 9। हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। मैं डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या निकालना है, dy/dx, ठीक है। अब dy/dx निकालना है प्यारे छात्रों, सवाल एक बार सही से लिख लेते हैं, देख लेते हैं मैच है कि नहीं, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है उसी को डिफ्रेंशिएशन करना है अलग अलग तरीके से। अलग अलग तरीके से बोले तो इसी का पहला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल और तीसरा नंबर सवाल। पहला बोल रहा है प्रोडक्ट रूल से करो, बताते हैं प्रोडक्ट रूल क्या है, कैसे कैसे बनाएंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिंग रूल, एक्सपेंड करके बनाओ, एक्सपेंडिंग रूल इसको बोलते हैं, एक्सपेंडिंग करके बनाना है। और तीसरा जो है लॉग का यूज करके बनाना है। हम इसको सवाल, तीनों सवाल जो बोल रहा था इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लिए हैं। अब क्या इसका मतलब है जरा समझते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे छात्रों। आपको बस करना क्या है कि हम तीनों में हिंट्स करेंगे, बनाना आपको है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो अपने तरीके से हम y मान लिए, y बराबर इतना इतना, बीच में कुछ नहीं साइन है, इसका मतलब क्या है प्यारे छात्रों, गुना का साइन है। अब हमें निकालना है dy/dx यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना है। अब ये इसको जो डिफ्रेंसिएशन करना है वो तीन तरीके से करना है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करके जो आंसर आएगा ना वो आंसर तीनों का एक ही आएगा, समझ रहे हैं बात को। यानी कि dy/dx निकालना है, इसके ये सवाल एक ही है लेकिन तीन गो मेथड अपनाना है डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए, ठीक है। अब पहला मेथड का सवाल दिया है कि प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना है। अब प्रोडक्ट रूल हम बताए हुए हैं, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो प्रोडक्ट रूल को u·v बोलते हैं। हम लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं पढ़ते थे, नहीं बोलते थे, लेकिन u·v तो पढ़े हैं। अब u·v को ही नाम क्या है, प्रोडक्ट रूल, समझ में आ रहा है। तो पहला ये बोल रहा है कि u·v वाला रूल से हमको करके दिखाओ डिफ्रेंसिएशन, और दूसरा बोल रहा है एक्सपेंड करके। एक्सपेंड का मतलब, एक्सपेंड का मतलब होता है बारी बारी से गुना करके। जैसे मान लिया x² को इससे करो, x² को 7x से करो, x² को 9 से गुना करो, फिर -5 को x³ से करो, बारी बारी से सबको गुना करेंगे तो एक बड़ा आएगा, और जहां जहां x³ या फिर पावर एक जैसा रहेगा उसको एक साथ कर लेंगे और तब हमें डिफ्रेंसिएशन करने बोलेगा। यानी एक्सपेंड का मतलब क्या, एक्सपेंडिंग का मतलब बारी बारी से गुना करना, बारी बारी से गुना करना सबके टर्म्स में, समझ में आ रहा है। और लॉग का यूज करने बोल रहा है, तो लॉग का यूज का मतलब क्या, दोनों तरफ लॉग लेने बोल रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए तो हम सबसे पहले करके दिखाते हैं प्रोडक्ट रूल।
हम करके नहीं दिखाएंगे, आपको हिंट्स के तौर पे दिखाएंगे कि हम इसको पहला मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहां पहला लिखिएगा और ध्यान रहे तीनों में आंसर सेम आएगा, ध्यान रहे तीनों में आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। देखिए तो यहां वाई है, हमें लिखना पड़ेगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी, वाई की जगह पे क्या रखेंगे तो पूरा एक तरफ लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, फिर इंटू एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन बटा क्या डी एक्स। प्यारे छात्रों आप जरा समझिए कि प्रोडक्ट रूल बोल रहा है, तो प्रोडक्ट का मतलब ए हुआ ए गो यू गुना में और यहां से लेकर यहां तक हो गया भी, तो यू इंटू भी पे हम लोग तोड़ देंगे। फार्मूला क्या बोलता है कि u को बाहर निकाल लो, हम बाहर निकालिए स्वेच्छा से x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, फिर बोल रहा है कि v का डिफरेंशिएशन करो, तो u को बाहर निकालिए तो v का डिफरेंशिएशन का मतलब डी एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन बट्टा डी एक्स, फिर प्लस का साइन देना पड़ता है। अब की बार v को बाहर करो, तो v को बाहर करो का मतलब एक्स क्यू सेवन एक्स प्लस नाइन, u का डिफरेंशिएशन करो तो d x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस आठ बट्टा क्या dx, राइट। अब इसको हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, इसको तो जो बाहर रहता है उसको तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस आठ। और इसको कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले इसका जो तरीका होता है अलग अलग आप तोड़ दीजिए, तो आप अलग अलग एक स्टेप हम मार रहे हैं यहां पे, एक स्टेप हम अपने तरफ से मार रहे हैं, आप इसको जरूर लिखिएगा। कैसे लिखिएगा डी एक्स क्यू बटा डी एक्स फिर प्लस डी सेवन एक्स बाय डी एक्स, ये सब जरूर लिखिएगा। हम यहाँ पे वो स्टेप नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसा समझ रहे हैं कि वो हम पहले लिख चुके हैं। तो एक्स क्यू बटा डी एक्स का क्या होगा, तीन जब बाहर निकलेगा तो थ्री एक्स स्क्वायर होगा इसके वजह से, प्लस सेवन एक्स का क्या होगा तो सेवन जैसे बाहर निकलेगा तो dx by dx बचेगा और dx by dx का वैल्यू 1, तो यहां 7x की जगह पे हम सिर्फ लिख सकते हैं 7 और प्लस इस 9 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है ना और सब ब्रैकेट में रहेगा, प्लस ये तो बाहर है तो बाहर नहीं एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस 9। अब जरा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर यहां पर करेंगे तो 2x होगा माइनस 5x का माइनस तो माइनस दे दिए, 5x का 5 कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा प्लस कितना 0। अब करना क्या है आपको कि इसको तो लिख सकते हैं ना भाई, एक और स्टेप में इतना लिखिएगा और 0 को तो कोई वैल्यू नहीं है तो इतना का तो इतना हो गया प्लस इतना का वैल्यू इतना हो गया, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर को इससे गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को इससे तो तीन दुना का 6x के पावर 4, अब एक्स स्क्वायर को सेवन से गुना कीजिएगा तो सेवन एक्स स्क्वायर, अब माइनस पांच एक्स को फिर इससे साथ कीजिएगा, इसके साथ तो गुना करना सीखे ना, ऐसा बारी बारी सबसे करते हैं, एक्स स्क्वायर को इससे किए एक्स स्क्वायर को सेवन से किए, माइनस पांच एक्स को थ्री एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या बनेगा माइनस पंद्रह एक्स क्यू, और माइनस पांच एक्स को सेवन से करेंगे माइनस पैंतीस एक्स, आठ को तीन एक्स स्क्वायर से 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 8 को 7 से 56। प्यारे छात्रों जैसे हम यहां पे कर रहे हैं बारी बारी से, मैंने इसको करने के बाद इससे भी और इसी को इससे भी, फिर काम करेंगे, फिर इसको करेंगे तो इसको भी इससे बारी बारी करते हैं, यानी इसको भी फिर इससे और फिर इससे, वैसे ही आप इसको भी कर लीजिएगा, और जहां भी x के पावर 4 होगा तो x के पावर 4 वाला को एक साथ करेंगे, एक साथ जोड़ के लिख लेंगे, x के पावर q वाला को एक साथ कर लेंगे, x स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे, जो कांस्टेंट होगा 56 12 15 उसको एक साथ कर लेंगे, तो इस तरीके से हम लोग का पहला का आंसर आ जाएगा। अब जरा चलते हैं दूसरा क्या बोल रहा था, दूसरा हमें एक्सपेंडिंग रूल बोल रहा था, एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है वो जरा समझिए। dy by dx सबसे पहले आपको बोलेगा कि एक्सपेंड कर लो, यानी कि दूसरा में अब हमको करना है दूसरा मेथड से, पहला मेथड समझ में आ गया, दूसरा बोल रहा है एक्सपेंड करके बनाओ, एक्सपेंड करके कैसे बनता है भैया वो देख लो भाई,
वाई बराबर तो वाई बराबर ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर से ये तीनों से बारी बारी से गुणा करना है, या यू बोले तो आप इसको लिख लो, पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, उसके अंदर इस तीनों को लिख लो, एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, फिर माइनस फाइव एक्स, तब फिर तीनों को लिखो, एक्स क्यू सेवन एक्स नाइन, फिर एट लिखो, फिर तीनों को लिखो, एक्स क्यू सेवन एक्स नाइन। अब क्या करो, अब बारी बारी सबको गुना कर दो, यानी ऐसे एक्स स्क्वायर को एक्स के पावर तीन से, तो तीन दो कितना हो गया पांच, फिर सेवन एक्स को इससे, तो हो जाएगा सेवन एक्स क्यू, नाइन को एक्स स्क्वायर, नाइन एक्स स्क्वायर, माइनस को इससे, तो माइनस पांच एक्स के पावर फोर, इससे तो माइनस थर्टी फाइव एक्स, इसको करेंगे तो माइनस पैंतालीस एक्स, इसको करेंगे आठ एक्स क्यू, इसको करेंगे छप्पन एक्स, इसको करेंगे बहत्तर, राइट। अब क्या करना है कि जहां भी x के पावर 5 है उसको एक साथ लिख लेना है, तो कहां कहां x के पावर 5 है भाई, तो x के पावर 5 ओनली यहां पे है और तो कहीं नहीं है, जरा देखते हैं और कहीं छूट तो नहीं रहा ना, एक्स स्क्वायर लिखे पूरा का पूरा, माइनस फाइव एक्स लिखे पूरा का पूरा, और एट लिखे एक्स क्यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स के पावर 5 और सेवन एक्स क्यू नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स के पावर 4, यहां पे कितना बन रहा है 35 माइनस 35 एक्स नहीं सॉरी यहां पे देखिए 35 एक्स स्क्वायर, जरा देख लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं ना हुआ है, 9 पचे 45 एक्स, ठीक है, और फिर 8 एक्स क्यू, 8 सत्तर 56 एक्स, 72। अब क्या करना है, एक्स के पावर 5 वाला तो स्पेशल है ना, तो एक्स के पावर 5 को एक्स के पावर 5 छोड़ देंगे, अब उसके बाद 4 वाला को एक्स ऐड करेंगे, तो 4 वाला स्पेशल यही है माइनस 5x के पावर 4, 3 वाला ये है तो 8 सात कितना 15 x के पावर 3, राइट। अब पावर 2 वाला कहां कहां है, तो ये है और ये है और तो कहीं नहीं है, तो 9 में से 35 गया, कितना बचेगा तो माइनस 26 एक्स स्क्वायर बचेगा ना, 9 में से माइनस 35 है तो माइनस 26। अच्छा अब x वाला देखेंगे, तो x वाला कहां कहां है, तो 45 एक्स और 56 एक्स, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 11 एक्स, और 72 है और तो कुछ नहीं है, तो 72 का 72, तो अभी भी तो ये y का ही ना मान आया। अब यहां से प्यारे छात्रों हम लोग को डिफरेंशिएशन कर देना है डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स का मतलब क्या, इसका अलग अलग x के पावर 5 बाई डी एक्स माइनस डी 5 एक्स के पावर 4 बाई, यानी कि सबका अलग अलग कर देना है, और जो एक तरह का घात आएगा उसको एक तरफ कर देना है। तो ये था हमें दूसरा मेथड जिसका नाम है एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग करके डिफरेंशिएशन करना। तो ये जो सवाल है, सवाल एक ही है, हाँ बिल्कुल ध्यान रहे इसको आप खुद से कर लीजिएगा और सबका आंसर एक ही आएगा, बशर्ते हम लोग को जो काम है वो जो करना है वो अलग अलग मेथड से करना है, इसको पूरा कर लीजिएगा, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग लास्ट आते हैं वो तीसरा मेथड पे, सवाल एक ही था तीन मेथड से बनाने के लिए बोल रहा था, 17 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग लॉग का यूज करते हैं यहां पे, क्योंकि सवाल बोल ही रहा था कि आप लॉग का यूज करो, तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो यहां पे लॉग लेंगे तो क्या बनेगा प्यारे छात्रों, यहां पर बनेगा लॉग वाई, यहां पर क्या बनेगा तो लॉग के अंदर ये चीज यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, जरा इंक देख लेते हैं, इंक डाल लेते हैं तो ऐसा आपको फ्रेश दिखेगा, वरना फिर आप इतना मेहनत कर रहे हैं और अगर नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत है, इसलिए जस्ट मिनट तुरंत, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको नहीं दिखेगा तो फिर भारी मुसीबत है। चलिए तो हम लोग यहां पे 5x प्लस कितना 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। अब इधर तो ठीक है भाई, log y को log y ही छोड़ देंगे, लेकिन log के अंदर गुना में रहता है तो ये प्लस में टूटेगा, तो एक हो जाएगा log, यहां क्या बचेगा तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log क्या तो एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन,
राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां क्या बनेगा, डी लॉग वाई बटा डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बनेगा ना, चैन रूल के माध्यम से। और यहां पे करेंगे तो क्या बनेगा, डी लॉग के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट बटा, इसको किसके रिस्पेक्ट में, तो लॉग के जो बगल में है, डी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, और नीचे वाला को भेजते हैं ऊपर, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट को अब करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस करके उसको भी ऐसे ही ऐड कर लेंगे, यानी कि यहां पे हम छोड़ देते हैं आपके लिए, log y का इधर लिख लिए, दोनों तरफ करना है डिफरेंशिएशन, इसको कर लिए, इतना हो गया, अब इसको भी वैसे ही कर लेंगे, अब होगा क्या, तो चलिए आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन को एंड करते हैं, क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब यहां पे कैसे करेंगे, तो यहां log y का तो हो जाएगा वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x को x के रिस्पेक्ट में क्या बनता है, वन बाई एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ऊपर लिखेंगे इसका, एक्स स्क्वायर का बनेगा टू एक्स माइनस फाइव, एट का तो जीरो, उसी तरीके से उसका भी कर लेंगे, उसका क्या होगा, तो जरा मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं, तो उसका बनेगा वन बाय एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस एट, वन बाय एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस एट ना, सॉरी एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, सॉरी नाइन नाइन, और ऊपर क्या बनेगा यहां पे, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बनेगा, आप वहां पे देख लीजिएगा, यहां पे वाइट जो छोड़े हैं वो आपके लिए छोड़े हैं, और उसको जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इतना आएगा। अब जरा समझते हैं, क्योंकि हमें dy by dx का मान चाहिए, तो dy by dx बराबर नीचे वाला y कहां जाएगा, ऊपर, तो ऊपर भेज दीजिए y, और यहां क्या बच रहा, तो 2x माइनस फाइव बटा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट प्लस यहां क्या बच रहा है, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बटा एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, ये बच रहा है। अब चूंकि y का मान तो हम कुछ माने होंगे ना पहले क्वेश्चन में, तो y का क्या मान माने हैं, y का मान माने हैं कितना, तो इसके y की जगह पर रख देंगे, y का मान माने हुए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट और इंटू में एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, ये तो हम y की जगह पर माने हुए हैं। फिर यहां क्या करना है, इसको इसको एलसीएम ले लेना है, समझ पा रहे हो ना, इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट और इंटू एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, तो ऐसा करने पे एलसीएम जब लेंगे तो इसका तो इससे कट जाएगा, अब ये वाला जो चीज है उसको इसके साथ गुना करके यहां रख देंगे, फिर प्लस अब की बार इससे ये कटेगा, तो इसको जो है इसको इससे गुना करके यहां रख देंगे और दोनों को जोड़ करके, और नीचे वाला पूरा देख रहे हैं कट जाएगा, तो जोड़ करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से तीनों मेथड जो बोल रहा था सवाल में, वो तीनों का आंसर एक जैसे आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था और एक ही क्वेश्चन देकर हमें अलग अलग मेथड से बनाने बोल रहा था, तो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ताकि आप में इतना टैलेंट भी समझ में आ गया होगा कि एक ही क्वेश्चन को हम लोग कितने मेथड से बना सकते हैं। अब आपको जो यूज देखिए, अब इसमें टाइम भी अलग अलग लगता है ना, तो कहने का मतलब है कि यही तो मैथ्स है, आपको एक सवाल रहेगा कितने तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं और सबका आंसर सेम आता है, और यही तो मैथ्स का एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज है कि भाई मैथ्स मैथमेटिक्स से आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब तो ये है ना कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, माइंड है, सोचने का क्षमता है, और फिर वैसा आप काम करो। तो ये क्वेश्चन बोल रहा था तीनों मेथड से बनाने के लिए, तो जैसा कि आप देखें, अब आइए बढ़ते हैं एक लास्ट एंड 5.5 को खत्म करने का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पे। जरा 18 क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रूफ करना है
एप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल सेकंड बाय लॉगरिथम प्रूफ करना है यू वी डब्ल्यू फंक्शन एक्स देन सो दैट इतना 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 प्रूफ करना है। प्यारे छात्रों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार भी आपका दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बशर्ते हम थोड़ा सा हिंट्स करेंगे, हिंट्स का तौर पे आपको हम बताने वाले हैं। सवाल बोल रहा है 18 नंबर में कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है भाई, प्रूफ यही करना है कि डी यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या क्या होगा। तो डी यू का डिफरेंशिएशन इंटू भी इंटू डब्ल्यू प्लस आपकी यू को ऐसे ही छोड़ेंगे, अब की बार में भी का डिफरेंशिएशन इंटू डब्ल्यू प्लस अब की यू और भी को ऐसे ही छोड़िए डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। ये हमें सवाल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर है ही नहीं कि यू भी और डब्ल्यू का मान क्या है, यू का मान और भी का मान और डब्ल्यू का मान क्या है, ये चीज हमें बोल ही नहीं रहा है। हालांकि जब नहीं बोल रहे और हमें प्रूफ करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा। हालांकि सवाल देखिए तो बोल रहा है कि दो वे है आपके पास, फर्स्ट या एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, सेकेंड बाय लॉगरिथम, यानी कि दो वे में आप कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कोई डेफिनेट सवाल नहीं बोला है कि दो में करना ही है, मतलब दो रास्ते हैं ऐसा बोल रहा है। देखिए सवाल को आप अच्छा से पढ़िएगा ना तो अच्छे से नॉलेज होगा, सवाल क्या बोल रहा ना, इसको प्रूफ करो, आपके पास दो रास्ता है, एक मल्टीप्लाई वाला और एक लॉग को लेने वाला, दो रास्ता है, आपको जिससे मतलब है उससे करो। तो मेरे पास दो ऑप्शन दिया है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों से बनाना है, बात को समझिए। लेकिन 17 नंबर सवाल में ये तीन सवाल दिया हुआ था कि तीनों से आपको करना ही करना है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि दो वे है, वे मतलब रास्ता, आपको जिस हिसाब से करना है आप उस हिसाब से कर दो, समझ में आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि लॉग का भी यूज कर लो और मल्टीप्लाई वाला से भी कर लो, मतलब कुछ जरूरी नहीं है, तो आपकी जैसी इच्छा है। हालांकि हम तो यहां पे कहेंगे कि यू भी डब्ल्यू, यहां बात समझिए, यू एक फंक्शन है, भी फंक्शन है, डब्ल्यू फंक्शन है, तीनों को गुना करने के बाद डिफरेंशिएशन किया है तो जो वैल्यू आएगा। और आरएचएस में क्या बोल रहे हैं कि यू का डिफरेंशिएशन करो, भी और डब्ल्यू को साथ में गुना कर दो प्लस यू और डब्ल्यू को छोड़ दो और भी का डिफरेंशिएशन कर दो, और फिर बोल रहा है यू भी को छोड़ दो और डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन करो तो दोनों तरफ इक्वल आएगा। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको जो इच्छा है आप पहले मान लीजिए यू का मान, भी का मान और डब्ल्यू का मान, क्योंकि यहां पे यू वी डब्ल्यू का मान दिया हुआ नहीं है, तो नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसा ही यू भी डब्ल्यू का मान मानेंगे जो आसान पड़े, यानी कि डिफरेंशिएशन करने में आसानी है, तो आपके अनुसार ना मानना है तो आप वैसा ही लॉग एक स्क्वायर प्लस इतना बड़ा क्यों मानेंगे भाई, हम छोटा मानेंगे ताकि ये प्रूफ हो जाए, हमको तो दिखाना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस। तो यू बराबर मान लीजिए सपोज दैट एक्स स्क्वायर, इसका मान लीजिए एक्स के पावर 3 और इसका मान लीजिए एक्स के पावर 5। देखिए सबको हम एक्स में माने हैं और बहुत आसान माने हैं ताकि जो प्रूफ हो वो बिल्कुल आसान से हो जाए। तो हम यू भी डब्ल्यू का मान ऐसा कुछ मान लिए हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, राइट। अब हम चलेंगे इसको मानने के बाद एलएचएस, एलएचएस में क्या बोल रहे हैं भाई, तो डी यू वी डब्ल्यू बटा डी एक्स के मान, तो हम कर दिए डी यू के मान माने हैं एक्स स्क्वायर इंटू भी का माने हैं एक्स के पावर 3 और डब्ल्यू का माने हैं इंटू एक्स के पावर 5 बटा क्या डी एक्स। तो अब यहां से आप देखिए तो x सब गुना में है तो पावर जुट जाता है, इसीलिए तो हम आसान माने हैं कि जल्दी प्रूफ हो जाए और अच्छा हो, तो 5 × 3 = 8 = 10, तो डी एक्स के पावर हो जाएगा 10 बटा में क्या डी एक्स। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को पहले करो 10, एक्स के पावर 10 में से 1 घटाइए 9, तो एलएचएस में जो आया याद रख लीजिए 10 एक्स के पावर 9 आया है। अब हम लोग चलिए आरएचएस से चलते हैं,
तो RHS क्या बोल रहा है वो समझते हैं। तो LHS में आ गया, क्योंकि ये तो RHS में है, तो यहां लिखेंगे अब RHS, क्योंकि प्रूफ करने वाला जब केस है तो LHS से चले और RHS से चले और दोनों जब बराबर आ गया तो हम लोग को प्रूफ हो गया। तो यहां पे RHS से चलेंगे तो RHS में तो यही था, अब RHS में यही था, सबका मान रख देते हैं। du by dx का प्यारे छात्रों, यहां u के जगह पे x स्क्वायर बटा dx, vw को ऐसे ही छोड़ देना है तो x के पावर 3 और x के पावर 5, फिर प्लस u को ऐसे ही छोड़ देना है तो x स्क्वायर v का मान dx क्यूब by dx इंटू w का मान x के पावर 5, फिर से प्लस e वाला u भी को आपके ऐसे छोड़ देना है तो x स्क्वायर और x क्यूब को ऐसी छोड़ दिए। W का डिफरेंशिएशन तो d x के पावर 5 बटा क्या dx। अब जरा इसको करते हैं, सबका वैल्यू निकालते हैं तो इसका कितना होगा, x स्क्वायर का बनेगा 2x, 2 आगे आएगा तो x के पावर, अब यहां पे तो बाहर है ना तो एक तो हो जाएगा x के पावर कितना 8, 5 से 8 प्लस। अब जरा देखिए तो x स्क्वायर और x के पावर 5 गुना में है तो यहां हो जाएगा x के पावर 7 और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहां पे करिए तो 3 और 2 5 गुना में है, इसका कितना हो जाएगा 5x के पावर 4। अब जरा कैलकुलेट कीजिए तो यहां कुछ नहीं है तो पावर 1, तो इसको लिख सकते हैं 2x के पावर 8 और 1 9 प्लस, यहां लिख सकते हैं 3, 7 और 2 मिलके कितना हो जाता है 9 प्लस 5, 5 और 4 मिलके 9 हो जाता तो x के पावर 9, तो सबको जोड़ेंगे तो 10x के पावर 9 आ जाएगा। और इस तरीके से लिखिएगा, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन को हार्ड बनाना है या फिर मैंने क्या बोलते हैं कम बनाना, कम हार्ड बनाना है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा कैसे कि यू भी डब्ल्यू जो करना है वो अपने तरीके से मानना है, कुछ भी मान लीजिए तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन मानना है ताकि वो हम लोग प्रूफ करने में आसानी हो सके। तो इस तरीके से प्यारे छात्रों 5.5 12th क्लास की जो एनसीईआरटी किताब से है उससे हम लोग चलते हैं, हमेशा बोलते हैं जैसे कि, तो 5.5 हम लोग का पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियोज में, अगले क्लास में 5.6 का पहले थ्योरी और फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। धन्यवाद।